नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज इंडिको पेंट्स ने उसका Q1 FY25 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है एंड रिजल्ट यहां पे खराब आया है क्योंकि प्रॉफिट देखिए लगभग यहां पे 15% डाउन हुआ है ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर। रेवेन्यू यहां पे 7.8% अप हुआ है, ईबीटा यहां पे 3.5% डाउन हुआ है, मार्जिन यहां पे 17% से डाउन होकर हो गया है यहां पे 15.2%। एक्सपेक्ट रेवेन्यू यहां पे ऑल पैरामीटर यहां पे ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर नेगेटिव है, ग्रोथ नेगेटिव हो गया है एंड इंपैक्ट यहां पे प्राइस के ऊपर आ सकता है। लेकिन यहां पे पॉजिटिव पॉइंट ए है कि एफआई यहां पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं एंड दिस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप शो कर रहा है। आफ्टर सम करेक्शन अगर प्राइस एक सटल लेवल को ब्रेकआउट कर लेता है तो स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्म कर सकता है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी करेक्शन कर चुका है एंड प्राइस का कैरेक्टर है प्राइस हमेशा से फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है। देखिए रिजल्ट खराब आया है, इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं कि स्टॉक यहां पे क्रैश कर जाएगा। गैप डाउन हो सकता है लेकिन एक शॉर्ट टर्म लेवल को अगर ब्रेक कर देगा एंड इस रिजल्ट आने के बाद भी मार्केट इसको वेलकम करता है प्राइस में तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्म कर सकता है क्योंकि एफआई यहां पे अग्रेसिवली उनका शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि किस टाइप का प्राइस स्ट्रक्चर यहां पे बन रहा है। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ओपन है इंडिको पेंट्स का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे लिस्ट होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था एंड नियरली 1050 के आसपास स्टॉक का प्राइस यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन किया था एंड देखिए जो ब्लू लाइन जा रहा है ना स्टॉक का प्राइस के लिए था इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस, जिस लेवल से देखिए प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड प्राइस देखिए यहाँ पे क्रिएट कर रहा है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ए हो गया उसका लेफ्ट शोल्डर, ए हो गया उसका हेड एंड ए हो गया उसका राइट शोल्डर एंड जो ब्लू लाइन यहाँ पे जा रहा है इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेक लाइन। देखिए जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है कि बुलिश चार्ट पैटर्न है एंड स्टॉक का प्राइस जैसे उसका जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंस्ट्रक्ट हुआ है उसका नेक लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आ जाता है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, उसी केस में स्टॉक का प्राइस लाइफ हाई को ब्रेक कर सकता है। देखिए अभी तक एक्टिवेट हुआ नहीं है, अगर इस टाइप का रिजल्ट आने के बाद स्टॉक का प्राइस उसका प्रीवियस स्विंग है 1590 इस सुंघाई को ब्रेक कर लेता है उसी केस में स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्म करेगा और आने वाले टाइम में नेक्स्ट टारगेट बनेगा 2230 का दिस स्विंग आएगा एंड उसके ऊपर जो सस्टेन करेगा लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है। एक बड़ा सा देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बस यहाँ पे नेक लाइन को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग आने के बाद एक चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा एंड इस बुलिश चार्ट पैटर्न एक्टिवेट होने के बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, देखिए मार्च क्वार्टर में एफआई का होल्डिंग था 7.73 एंड यहाँ पे जून क्वार्टर में हो गया है 8.28, तो एफआई यहाँ पे शेयर होल्डिंग को अग्रेसिवली इंक्रीज कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव साइन है। मैं आशा करता हूँ आप डेटा एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।